हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में यामाहा के सभी BS6 मॉडल वाले बाइक के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। अगर आप यामाहा बाइक्स के कोई भी BS6 मॉडल खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आपके बजट के अंदर आ रही है और किसमें क्या फीचर्स मिलते हैं। और मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में यामाहा का सलूटो मॉडल नहीं शामिल है, क्योंकि वो बाइक अभी तक BS6 में अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आप यामाहा सलूटो के BS4 मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं या फिर यामाहा के किसी बाइक के BS4 मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप BS4 मॉडल वाले बाइक का वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपको देखने में थोड़ी सी लंबी जरूर लगेगी, लेकिन आपको एक ही वीडियो में यामाहा के सभी बाइक्स के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो आपका और भी समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यहाँ पे सबसे पहले नंबर बात करते हैं यामाहा FZ-F5 BS6 की। तो ये यामाहा की एक स्पोर्टी बाइक है। इसमें आपको टोटल 2 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेटालिक ब्लैक और रेसिंग ब्लू शामिल है। इंजन की बात करें तो इसमें 149cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC 2-वाल्व BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। और इसका यह इंजन 7250 RPM पर 12.4 PS का पावर और 5500 RPM पर 13.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इसमें आपको 5 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है। और इस बाइक में केवल इलेक्ट्रिक स्टार्ट दिया गया है, इसमें आपको किक स्टार्टर नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है, जो कंफर्टेबल के मामले में बाइक थोड़ी सी अच्छी है। इस बाइक में सीटिंग में काफी अच्छी मिलती है। टायर और ब्रेक्स की बात करें तो इसके फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x60 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें सेफ्टी के लिए सिंगल चैनल का ABS दिया गया है। इसमें एडवांस मिड शिप का मफलर कवर मिलता है। इसमें LED हेडलैम्प हाई बीम लो बीम के साथ दिया गया है। इसमें आपको LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलता है। इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन शो होते हैं, जैसे कि इसमें आपको फ्यूल की जानकारी मिलती है, स्पीड देखने को मिलता है, ट्रिप मीटर दिया गया है और ये LCD डिस्प्ले ब्लैक बैकग्राउंड के साथ दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा इस इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के साइड में कई सारे इंडिकेटर लाइट भी दिए गए हैं, जैसे न्यूट्रल लाइट, हाई बीम लाइट, टर्न इंडिकेटर लाइट, ABS लाइट और मिसलीडिंग लाइट जैसे काफी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। इसमें आपको इंजन कॉल मिल जाता है। इसमें क्रोम डक प्लेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि इसके टैंक पर आप देख सकते हैं, जो इसके डिजाइन को थोड़ी सी बढ़ा देती है। इसमें आपको कंफर्टेबल 2 लेवल की सीट मिलती है, जो कि सिंगल सीट है। इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलती है, जिसकी कुशनिंग भी काफी अच्छी है। तो इसके रियर में आपको 140mm का चौड़ा टायर मिल जाता है और इसके रियर में हगर भी लगा हुआ है। तो ये था इसके कुछ बेसिक फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की। तो ये आपको आराम से 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा। तो इसकी टॉप स्पीड 115 kmps तक है। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डायमेंशंस की। तो इसकी लेंथ 1990mm विथ 780mm, हाइट 1080mm, व्हील बेस 1330mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165mm, सीट हाइट 790mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13 लीटर और इसका कर्व वेट 137kg है। तो ये बाइक थोड़ी सी आपको लाइट वेट की मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो यामाहा FZ-F5 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,01,700 rupees तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 1,19,300 rupees तक, यानी कि 1,19,300 rupees तक मिल सकती है। इस बाइक के फायदे और नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको काफी कंफर्टेबल राइडिंग मिल जाती है। इस बाइक का लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है, काफी मस्कुलर टैंक भी दिया गया है। तो इस बाइक में आपको पावर में थोड़ी सी कमी देखने को मिल जाती है और इस बाइक की फिनिशिंग लेवल इसके पहले जनरेशन से थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं यामाहा FZ-F5 BS6 की। तो इस बाइक के सारी स्पेसिफिकेशन फीचर्स यामाहा FZ-F5 जैसा ही है, केवल इसमें आपको थोड़ी से ज्यादा कलर ऑप्शन मिल जाते हैं और इसकी फिनिशिंग FZ-F5 से थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाकी ओवरऑल लुक भी आपको दोनों का एक जैसा लगेगा। यामाहा FZ और FZS का लुक आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई डिफरेंस दिखता है तो आप देख सकते हैं। हालांकि इन दोनों बाइक्स में हमें कोई भी दिखने में डिफरेंस नहीं लगता है। तो यहाँ पे यामाहा FZ-F5 BS6 में आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें डार्क नाइट, मेटालिक रेड, मैट ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और ग्रे एंड कैन ब्लू शामिल है। तो इस बाइक के सारे स्पेसिफिकेशन फीचर और यहाँ तक कि डायमेंशन भी सेम FZ-F5 जैसा है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको स्किप करके डायरेक्ट आते हैं इसके प्राइस पे। यामाहा FZ-F5 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके डार्क नाइट कलर का 1,05,200 rupees तक है। बाकी इसके जो 4 कलर है उसका एक्सरूम प्राइस 1,03,700 rupees तक है। अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका डार्क नाइट कलर 1,23,000 rupees तक मिल जाएगा। तो वहीं इसका अदर जो कलर बचे हुए हैं तो लगभग उसका ऑन रोड प्राइस 1,21,400 rupees तक हो सकती है। ऑन रोड प्राइस की जानकारी आप अपने नजदीकी शोरूम पे ले सकते हैं।
आगे बात करते हैं यामा MT-15 BS6 की। तो इस बाइक का लुक काफी अट्रैक्टिव लगता है और इसके लुक की वजह से इस बाइक को काफी जाना जाता है। इसमें आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, हालांकि पहले इसमें केवल 2 ही कलर ऑप्शन मिलते थे, लेकिन इंडिया में भी एक इंटरनेशनल मार्केट से एक नया कलर लाया गया था। तो इसमें आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लैक, डार्क मैट ब्लू और आइस ब्लू वर्मिलियन शामिल है। इंजन की बात करें तो इसमें 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 4 वाल्व BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 10,000 आरपीएम पर 18.5 पीएस का पावर और 8,500 आरपीएम पर 13.9 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें आपको 6 स्पीड तक गियर बॉक्स मिलता है। सस्पेंशन की बात करते हैं, इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में लिंक्ड टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है, जिसकी वजह से काफी कंफर्टेबल हो जाती है बाइक। टायरों प्रेस की बात करें, इसके फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। अब बात आती है इसके कुछ फीचर्स की, तो इसमें आपको सिंगल चैनल का ABS मिलता है, इसमें आपको LED हेडलैम्प मिलता है, LED टेल लैम्प मिलता है और LED पोजीशन लैम्प भी दिया गया है, यानी इसमें आपको टोटली LED लाइट्स मिलते हैं। इस बाइक में LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल की जानकारी और गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल कंजप्शन इंडिकेटर और शिफ्ट टाइमिंग लाइट भी दिया गया है। तो इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी दिया गया है। इसमें आपको एक नई टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसे VVA यानी कि वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन कहा जाता है। इस सिस्टम के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इस सिस्टम से कम RPM पर भी बाइक में आपको अच्छी टॉर्क मिलती है। इस बाइक में 2 वॉल्व कैम्स लगाए गए हैं, जो कि एक कम RPM के लिए और दूसरा हाई RPM के लिए दिया गया है, जिससे कि आपको टॉर्क अच्छी मिलती रहती है। इस बाइक में स्लीपर क्लच भी दिया गया है। तो स्लीपर क्लच के बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्लीपर क्लच होने से क्लच कम फोर्स में काम करती है, जिससे कि राइडर को आसानी होती है गियर शिफ्टिंग करते समय। इससे राइडर को थकान भी महसूस नहीं होती है और ये इंजन के ब्रेकिंग को भी रोकती है, जिससे कि बाइक और भी स्मूथ चलती है। तो स्लीपर क्लच के भी अपने कुछ फायदे हैं। इस बाइक में आपको यूनि लेवल का सीट मिल जाता है, जिसमें ग्रैब रेल भी दिया गया है और इसमें आपको स्प्लिट सीट नहीं मिलता है। इसमें आपको ऑरेंज कलर की व्हील भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। इसमें आपको इंजन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ मिल जाएगा और रियर में हगर भी दिया गया है। और इस बाइक के हेडलैम्प को भी आप देख सकते हैं, इस बाइक का हेडलैम्प लोगों को काफी पसंद आता है। अब बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, तो ये आपको 40 से लेकर 45 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगा, तो वहीं इसकी टॉप स्पीड लगभग 123 kmps तक है। बात करते हैं इसके कुछ डायमेंशन की, तो इसकी लेंथ 2020mm विद 800mm, हाइट 1070mm, व्हील बेस 1335mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170mm, सीट हाइट 810mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर और इसका कर्व वेट 138 kg है। अब बात आती है इसके प्राइस की, तो यामा MT-15 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके डार्क मैट ब्लू और मेटेलिक ब्लू का एक्सरूम प्राइस 1,39,900 रुपीस तक है, तो इसके आइस ब्लू वर्मिलियन का एक्सरूम प्राइस 1,40,900 रुपीस तक है। अगर इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें, तो इसका डार्क मैट ब्लू और मैट ब्लैक कलर 1,64,200 रुपीस तक मिल जाएगा, तो इसका आइस ब्लू वर्मिलियन कलर 1,65,300 रुपीस तक ऑन रोड मिल सकता है। अगर इस बाइक के फायदे की बात करें, तो ये बाइक 155 सीसी सेगमेंट में एक अच्छी इंजन पावर और टॉर्क के साथ मिल जाती है। ये बाइक लाइट वेट भी है और इजी टू राइड भी है और इस बाइक का लुक भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो इस बाइक की अगर कमी की बात करें, तो ये बाइक थोड़ी सी महंगी मिल जाती है और इसमें आपको डुअल चैनल का ABS भी नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी कमी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। आगे बात करते हैं यामा YZF R15 V3 BS6 की। तो जब भी फुल्ली फेयरिंग बाइक की बात होती है, तो R15 का नाम जरूर आता है। तो इसमें आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें रेसिंग ब्लू, थंडर ग्रे और डार्क नाइट शामिल है। और इस बाइक का डिजाइन काफी लोगों को पसंद भी आती है, काफी बोल्ड डिजाइन लगता है। इसके फ्रंट साइड पर विंड शील्ड भी दिया गया है। इसमें आपको स्टाइलिश हेडलैम्प मिल जाता है, स्टाइलिश फ्यूल टैंक मिल जाता है। ओवरऑल लुक भी इस बाइक की काफी अच्छी लगती है। इस बाइक में 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 4 वॉल्व BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 10,000 आरपीएम पर 18.6 पीएस का पावर और 8,500 आरपीएम पर 14.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें भी आपको 6 स्पीड तक गियर बॉक्स मिल जाती है। सस्पेंशन की बात करें, तो इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में मोनोक्रॉस सस्पेंशन लगा हुआ है। टायर की बात करें, तो इसके फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 282mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। इस बाइक के कुछ फीचर्स की बात करें, तो इसमें फीचर भी आपको काफी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। इसमें आपको सेफ्टी के लिए डुअल चैनल का ABS दिया गया है।
इसके हेडलैम्प में एलईडी लाइट लगा हुआ है, इसके टेल लैम्प में भी एलईडी लाइट दिया गया है। इसमें भी आपको VVA यानी कि वेरिएबल वैल्यू एक्चुएशन सिस्टम मिल जाता है। इस सिस्टम के बारे में MT15 में आपको मैंने बता दिया है, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है। इसमें मल्टी फंक्शन LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, ट्रिप मीटर और गियर शिफ्टिंग पोजीशन जैसे काफी इन्फॉर्मेशन इसमें शो होते हैं। और इस डिस्प्ले के साइड में भी आपको कई सारे इंडिकेटर स्लाइड भी देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी मिल जाता है। स्लीपर क्लच के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपको 2 लेवल की स्प्लिट सीट मिल जाती है। इसमें रियर हगर भी दिया गया है, तो इस बाइक में अगर 2 लोग बैठते हैं तो काफी आसानी रहती है। 3 लोगों को बैठने में इसमें काफी दिक्कत होती है। दिक्कत क्या, इसमें बैठ ही नहीं सकते हैं। इस बाइक की अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 40 से लेकर 42 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाएगा। तो इस बाइक की टॉप स्पीड काफी अच्छी है। इस बाइक की टॉप स्पीड 132 KMPH तक है। बात करते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसकी लेंथ 1990 mm विथ 725 mm, हाइट 1135 mm, व्हील बेस 1325 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, सीट हाइट 815 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर और इसका कर्ब वेट 142 kg है, जो कि MT15 से थोड़ी सी भारी है। तो वही बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो यामाहा YZF R15 वर्जन 3 V6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके थंडर ग्रे कलर का 1,47,900 रुपीस तक है, इसके रेसिंग ब्लू का 1,49,000 रुपीस तक है, तो इसके डार्क नाइट कलर का 1,50,000 रुपीस तक है। तो इस बाइक की अगर ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसका थंडर ग्रे कलर 1,69,400 रुपीस तक मिल जाएगा, इसका रेसिंग ब्लू कलर 1,70,500 रुपीस तक मिल जाएगा, तो इसका डार्क नाइट कलर 1,71,600 रुपीस तक मिल सकता है। अगर इस बाइक के फायदे की बात करें तो आपको एक अच्छी फुल्ली फेयरिंग बाइक चाहिए तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। इस बाइक में आपको काफी अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है, स्टाइल भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। इस सेगमेंट में रेसिंग के लिए भी ये बाइक काफी अच्छी है। तो इस बाइक की अगर कमी की बात करें तो जो लोग इसे सिटी में चलाना चाहते हैं तो उसको सिटी ट्रैफिक में चलाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी हाइट ज्यादा नहीं है और आप इतने भारी बाइक को सिटी ट्रैफिक में नहीं हैंडल कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो अगर इस बाइक को चलाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो इस बाइक को आप ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है, लेकिन इस बाइक को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं क्योंकि इस प्राइस रेंज में एक फुल्ली फेयरिंग बाइक मिल जाती है। इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। तो आपको एक रेसिंग फुल्ली फेयरिंग बाइक चाहिए तो इसको आप ले सकते हैं। तो इस बाइक में एक कमी आपको और भी देखने को मिल सकती है, अगर इस बाइक के पीछे कोई लेडीज बैठती है तो उसको बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसमें अच्छी ग्रिप वाली ग्रैब रेल नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सीटिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आगे बात करते हैं यामाहा FZ25 BS6 की, तो ये आपको टोटल 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें मेटेलिक ब्लैक और रेसिंग ब्लू शामिल है। और ये बाइक जल्दी अभी BS6 में अपडेट होकर लॉन्च भी हुई है। इस बाइक में 249cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOSC 2-वॉल्व BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है और इसका यह इंजन 8000 RPM पर 20.8 PS का पावर और 6000 RPM पर 20.1 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और इसमें 5 स्पीड तक गियर बॉक्स दिया गया है। सस्पेंशन की बात करते हैं, इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन दिया गया है। टायर और ब्रेक्स की बात करते हैं, इसके फ्रंट में 100x80 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 140x70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है, जिसके फ्रंट में 282 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। अगर इस बाइक के कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल चैनल का ABS दिया गया है, बाई फंक्शनल LED हेडलैम्प मिलता है LED DRLs के साथ, इसमें मल्टी फंक्शनल LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिया गया है जिसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन शो होते हैं, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, इंजन चेक इंडिकेटर और रियल टाइम माइलेज जैसे काफी इन्फॉर्मेशन शो होते हैं। इसके अलावा इसमें कई सारे इंडिकेटर लाइट्स भी दिए गए हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट, स्प्लिट ग्रैब रेल और इंजन काउल भी मिल जाता है। इस बाइक में आपको स्टाइलिश एग्जॉस्ट सिस्टम प्रोटेक्टर कवर के साथ मिल जाता है। इस बाइक में ब्लैक कलर की अलॉय व्हील्स मिल जाती है, रियर हगर लगा हुआ है और इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी दिया गया है। तो ये था इस बाइक के कुछ बेसिक फीचर्स। तो इस बाइक के माइलेज की बात करें तो ये आपको 35 से 40 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज दे देगी। तो इस बाइक की टॉप स्पीड लगभग 140 KMPH तक है। अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो इसकी लेंथ 2015 mm विथ 775 mm, हाइट 1075 mm, व्हील बेस 1360 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm, सीट हाइट 795 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर और इसका कर्ब वेट 153 kg तक है। अब बात आती है इसके प्राइस की, तो यामाहा FZ25 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,52,100 रुपीस तक है। तो इस बाइक के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो यामाहा FZ25 BS6 का ऑन रोड प्राइस लगभग 1,73,900 रुपीस तक हो सकती है। तो ये भी यामाहा की एक स्पोर्टी बाइक है जिसका लुक आप देख सकते हैं, हालांकि इसमें आपको लिमिटेड कलर ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर आप डोमिनार 250 के साथ कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका मैंने अलग से वीडियोस बनाया है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं यामाहा FZS25 BS6 की, तो इस बाइक में भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और काफी हद तक फीचर्स भी यामाहा FZ25 जैसा ही है। तो यहाँ पे इन बातों को मैं स्किप कर देता हूँ जिससे कि ये वीडियो थोड़ी सी और लंबी ना बने। लेकिन इस बाइक में आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं जिसमें पटीना ग्रीन, व्हाइट वर्मिलियन और डार्क मैट ब्लू शामिल है। और इस बाइक का डिजाइन थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल जाती है इसके फ्रंट साइड से। तो यामाहा FZ और FZS का डिजाइन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस में देख सकते हैं कि इनके कलर और डिजाइन में केवल डिफरेंस है, बाकी सारे स्पेक्स इनके सेम है। इनके डायमेंशंस में भी थोड़ी सी आपको अंतर देखने को मिल जाती है। इस बाइक का लेंथ 215 mm विथ 820 mm, हाइट 1105 mm, व्हील बेस 1360 mm, ग्राउंड केस 160 mm, सीट हाइट 795 mm, फ्यूल टैंक 14 लीटर और इसका कर वेट 154 kg है जो कि लगभग 1 kg भारी है FZ के मुकाबले में। तो इस बाइक के प्राइस की बात करें तो यामाहा FZS25 BS6 का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस 1,57,100 रुपीज तक है जो कि FZ25 से थोड़ी सी महंगी है। तो इस बाइक के ऑनरोड प्राइस की बात करें तो ये लगभग आपको 1,78,700 रुपीज तक मिल सकती है। इस बाइक में काफी अच्छी आपको सीटिंग पोजीशन मिल जाती है। इस बाइक का लुक काफी अट्रैक्टिव, काफी अच्छी लगती है। और यहाँ पे इस वीडियो में यामाहा के सुपर बाइक्स यामाहा MT09 और यामाहा YZF R1 के बारे में मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये बाइक BS6 में अपडेट नहीं हुई है। ये बाइक BS6 में अपडेट होने के बाद मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में इन बाइक से रिलेटेड बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में इन सभी के बारे में सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। उसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में इन बाइक्स का एक्सरूम प्राइस और ऑनरोड प्राइस मैंने दिल्ली का बताया। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग कर रहे होंगे तो हो सकता है वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज्यादा या फिर थोड़ा सा कम भी हो सकता है और माइलेज भी थोड़े से कम या ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड आप पे करता है कि आप बाइक को कैसे यूज करते हैं और कैसे रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। और इन बाइक्स में से कौन सी बाइक आपको अच्छी लगती है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।